जय माता की। बोलो जय माता की। अच्छा राम राम बोल दो तो। राम राम बोल दो। राम राम। ये ओम साई राम। जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय करो। बोलो सूरज जी गुड मॉर्निंग। मैं इतनी जल्दी उठी थी, मम्मा को काम करना था इतना सारा, आप भी इतनी जल्दी उठ गए। हाँ आपको हलवा बनाना था क्या? हाँ। आपको चने बनाने थे क्या? नहीं। आपको जय माता जी करना था? नहीं। तो इतनी जल्दी क्यों उठे आप? पापा पापा इतनी जल्दी क्यों उठे मेरे बच्चे? नो अभी छुबा छुबा, चलो पहले अपना चिचिस वाटर पियो। चिचिस वाटर पियेंगे और फिर काम करेंगे। आज पता है छोटी छोटी कन्या आएंगी जय जय माई करने, जय माता की। चलो वाटर ले लो अपना पकड़ो। बोले हैप्पी रामनवमी टू ऑल। कन्या पूजन की तैयारी शुरू हो गई है मेरे यहाँ। मैंने रख दिए चने अपने चने बनाने के लिए, क्योंकि आज बनेंगे चने, हलवा, पूरी और बहुत सारी चीज़ें जो हम कन्या को देंगे। मेरा हलवा भी रेडी हो गया है, चने भी रेडी हो गए हैं और हम इस बार कन्याओं को घर पे नहीं बुला रहे हैं, हम लोग कन्याओं को बाहर जाकर उनको देंगे। मेरे आसपास थोड़ी सी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको हम देंगे। मेरा हलवा, चने, आलू गोभी की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी है। यहाँ पे जो मैंने कन्याओं के लिए निकाला है प्रसाद, वो रेडी है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आज का दिन शुरू करेंगे। तो ये वीडियो क्लिपिंग उस दिन की है जिस दिन मैंने कलश स्थापना की थी, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। नमस्ते एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। सो आज है दशहरा और दशहरे के दिन मेरे घर होती है थोड़ी सी एक पूजा जिसमें बहनों का जाना ज़रूरी होता है, तो बहन और भाई का इसमें होता है कुछ कुछ रिचुअल। तो चलिए आज चलते हैं नानी के घर और देखते हैं कि हमारे यहाँ दशहरा कैसे मनाते हैं। मैं नहा तो ली हूँ, रेडी होना बाकी है, तो रेडी होते हैं, चलते हैं नानी के घर और फिर मिलते हैं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत दिनों के बाद वापस से एक ब्लॉग कर रही हूँ और लेट्स सी कैसा रहता है ये ब्लॉग। अभी तो जस्ट कैमरा उठाया है और स्टार्ट किया है, लेट्स सी पूरे दिन कुछ शूट करते भी है कि नहीं, कुछ एक्साइटिंग होता भी है कि नहीं और मैं ये पोस्ट करती भी हूँ कि नहीं। लेट्स सी, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। एंड फिर से एक बार हैप्पी दशहरा एंड आई जस्ट विश सब लोगों का दशहरा बहुत अच्छे से जाए। आई नो इस बार बहुत सारी जगह रावण दहन नहीं हो रहा है, हर जगह का अपना एक अलग सिचुएशन चल रही है, तो मेले नहीं लगे हुए हैं, झूले नहीं हैं। तो लेट्स सी आप लोग यहाँ अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे दशहरा मना रहे हैं। हम लोग भी इन्जॉय करने की कोशिश करते हैं, मस्ती करने की कोशिश करते हैं। जहाँ फैमिली होती है, जहाँ मस्ती होती है, वहाँ तो हर फेस्टिवल अच्छे से मनी जाता है ना। सो यहाँ पर हम पहुँच गए नानी हाउस। नानी हाउस मीन्स मेरी मम्मी के घर। और यहाँ पे हमारी दशहरे की पूजा की तैयारी हो गई है। हमारे यहाँ पर ये जो जौ उगाए जाते हैं इनकी पूजा होती है आज के दिन। और ये जो हमने कुल्हड़ रखे हुए हैं, ये 10 कुल्हड़ हम लाते हैं जिसके अंदर खील भरी जाती है, बताशे रखे जाते हैं, जौ रखे जाते हैं और कुछ पूजा होती है। आज के दिन की पूजा एक तरह से अस्त्र शस्त्रों की पूजा कहा जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितने भी लठ, तलवार, चाकू, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको एक टेबल पे रखा जाता है या एक जगह पे रखा जाता है, उन सब की पूजा होती है। और आपके जो भी बिज़नेस की चीज़ें होती हैं, मतलब आपके बही खाते हैं, आपकी बुक्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हों तो उनकी स्टडी मटेरियल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों का बिज़नेस मोबाइल और लैपटॉप से ही होता है ऑब्वियसली, तो वो सब चीज़ें आज की डेट में रखी जाती हैं। तो वो सब टेबल पे रख लिए हमने, भाई के फ़ोन्स, वॉलेट, पर्स
और बुक्स ये सब रख के इस तरीके से कुछ पूजा की जाती है। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और बहुत ही मज़ा आता है। अभी के टाइम पे तो भाई बड़ा है तो वो है, उसके बाद छोटा भाई है, बट जब हम लोग का पहले होता था, जब हम दादी के यहाँ जाते थे तो सबसे आगे दादाजी चलते थे, फिर चाचा पापा, फिर चाचा लोग, फिर हम सब बच्चे लोग। ये बेसिकली लड़के करते हैं, लड़के इस तरीके से सात परिक्रमा लेते हैं इन सब चीज़ों की, और इस तरीके से ये दशहरे की पूजा की जाती है। अब यहाँ पे बहनें टीका करती हैं अपने भाइयों का, अपनी विशेस मांगती हैं, खूब सारा आशीर्वाद देती हैं, ब्लेसिंग देती हैं। तो आज के दिन मम्मी ने बनाए थे छोले पूड़ी और लौकी का रायता। आज के दिन लौकी का रायता बनना बहुत ज़रूरी है, क्यों बनता है पता नहीं, पर लौकी का रायता बनता है। डैडी वेयर इज रुद्रांश? वेयर इज, वेयर आर यू रुद्रांश? वेयर आर यू रुद्रांश? कंडवाल कहाँ गया रुद्रांश? वेयर आर यू? अच्छा सुनो, व्हाट इज योर नेम? रुद्रांश करमाल। व्हाट इज योर नेम? रुद्रांश करमाल जिशु। रुद्रांश करमाल जिशु। एंड व्हाट इज योर मामाज नेम? जोशना। जोशना, ओह माय गॉड। एंड व्हाट इज योर डैडीज नेम? नील। नील। एंड व्हाट इज योर नानूज नेम? डॉक्टर साहब। ओह डॉक्टर साहब, ओके। कैन यू बाय? इधर देख, उल्टा होके बैठा है लड़का। वो बेचारा ठूस ठूस के बैठा अंदर। कानू अब आप बिग बॉय हो गए हो। कानू बिग बॉय हो गए हो। कानू बाय, वेयर आर यू गोइंग? बाबा कहाँ जा रहे हो आप?
उसको उतरने बोले, ये ब्लू वाली डक में बैठना है, ये स्टाइल में बैठे, देख रहे हो? डर रहा हूँ तरह से, उसको दूसरे में बैठना अपने आगे। गनो बाय, गनो बाय, हाँ इसमें बैठ जाना, उसमें बैठने दो, अरे रुकने दो, फिर बैठ जाना, आगे बैठ रहा हूँ। रेडी? ओके, यस, आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करो ट्रेन। कानू आर यू रेडी? वापस आ गए हैं अपना दशहरा सेलिब्रेट करके। बहुत कुछ, बहुत एक्साइटिंग तो ऐसा कुछ नहीं था, बट फिर भी जो भी था बहुत अच्छा था। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा बाहर गए, मस्ती की, आपने सब देख ही लिया। ब्लॉगिंग बहुत दिनों बाद की है, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने रिव्यूज़, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, जो भी है आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे अपने और व्लॉग्स अगर बनाऊँ तो उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शो योर लव। रुद्राज की भी मस्ती पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लोग कभी दशहरा अच्छा गया हो, और ये वीडियो मे बी दशहरे के नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जाएगा, तो ऑब्वियसली दशहरा हो चुका होगा, तो आप मुझे भी बताइएगा आप लोगों ने अपना दशहरा कैसे मनाया। तो विद माय नोट, बी हैप्पी, मेक योर फैमिली हैप्पी, प्राउड टू बी इंडियन। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।